महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के सहारे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। वहीं अब शिवसेना ने अपने बहुमत को देखते हुए बीजेपी सरकार से राज्य में सरकार बनाने के लिए शर्त रखी है। दरअसल उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पद शिवसेना से ही होगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर राज्य में मिलने वाले उनके बहुमत के अनुमान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ईवीएम से सिर्फ कमल बीजेपी चुनाव चिन्ह ही बाहर आएंगे, ऐसा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आखिरी क्षण तक था, लेकिन 164 में से 63 सीटों पर कमल नहीं खिला। शिवसेना ने कहा कि यह जनादेश महाजनादेश नहीं, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जनता के फैसले को स्वीकार करके बड़प्पन दिखाना पड़ता है। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र में 2014 की अपेक्षा अलग नतीजे आए हैं। 2014 में युति गठबंधन नहीं थी। 2019 में युति के बावजूद सीटें कम हुई, बहुमत मिला, लेकिन कांग्रेस एनसीपी मिलाकर 100 सीटें तक पहुंच गई। ये एक प्रकार से सत्ताधीशों को मिला सबक है। धौस दहशत और सत्ता की मस्ती से प्रभावित न होते हुए जनता ने जो मतदान किया उसके लिए उसका अभिनंदन। अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 105 पर जीत मिली है। वहीं शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 54 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गई हैं। 2014 में बीजेपी को 122 और शिवसेना को 63 तथा कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की। नतीजों के बाद शिवसेना मुख्यमंत्री पद की मांग कर रही है। सामना के पहले पन्ने पर भी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान छापा गया है। शीर्षक में लिखा है, पहले फॉर्मूला फिर सरकार। ठाकरे ने कहा है, यह समय बीजेपी को वह फॉर्मूला याद दिलाने का है जिसका वादा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरे घर आकर किया था। यह फॉर्मूला 50-50, 2.5 साल बीजेपी का और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री का था। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी बीजेपी और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर तानातानी बनी हुई है। वहीं शिवसेना ने एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा था। शिवसेना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी में ऐसी सेंध लगाई कि पवार की पार्टी में कुछ बचेगा या नहीं, कुछ ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा छलांग राष्ट्रवादी पार्टी ने लगाई है और 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी 122 से 102 पर आ गई है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।